हेलो गर्ल्स, तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एफ डैश एफ डबल डैश एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव ऑफ एफ दे आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकेंड that nth derivative of f exists in open interval ab, then there exists at least one real number c belongs to open interval ab such that f of b it is equal to f of a plus b minus a f dash a plus b minus a whole square upon 2 factorial f double dash a plus so on b minus a to the power n minus 1 upon n minus 1 factorial f का n माइनस वन एथ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए प्लस b माइनस ए टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट c, जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं ओपन इंटरवल ए बी में। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, ये स्टेटमेंट है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि हम तो ये स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ ये है कि कंसिडर द फंक्शन फाई डिफाइंड एज, तो वो फंक्शन क्या है फाई ऑफ एक्स। अब जो ये प्रूफ करना है ना, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, यहाँ देखो यहाँ पे आप ए को एक तरह से उसने या इस पैटर्न पे एक फंक्शन बनाया इन टर्म्स ऑफ एक्स। कैसे बनाया, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए की जगह आप एक्स लिख दो तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस सो ऑन बी माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस एफ का एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव एट पॉइंट एक्स ई प्लस बी माइनस एक्स टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू कैपिटल ए। ये है आपकी इक्वेशन नंबर वन, वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट टू बी डिटर्मिंड सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो अगर आपको याद हो, ये पिछले प्रूफ्स हमने अभी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का थ्योरम के प्रूफ्स करें, उसमें भी यही आता है ना कि वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट टू बी डिटर्मिंड सच दैट वो फंक्शंस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ भी हमने यही करना। ठीक है, तो फाई ऑफ एक्स आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हमने डिफाइन किया, ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें ए को एक्स डाल के करो। अब हम ए निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। अब दैट इज़, अब फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी चाहिए, तो फाई ऑफ ए मतलब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन बी माइनस ए टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव एट पॉइंट ए प्लस बी माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू कैपिटल ए विच इज़ इक्वल टू, अब क्या बचेगा, फाई ऑफ बी जब डालोगे सब जीरो आ जाएगा, सिर्फ इट इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो यहाँ से ए आपका डिटर्मिन हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो हमें स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एन माइनस वन एथ डेरिवेटिव ऑफ एफ बी माइनस एक्स की पावर एन, ये सारे फंक्शंस क्या हैं, कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, और ये सारे डेरिवेबल भी हैं इन ओपन इंटरवल ए बी, ये हमें दिया हुआ है। देयरफोर सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूस, सम ऑफ डेरिवेबल फंक्शन इज डेरिवेबल। तो अब जो फाई एक्स है, फाई एक्स क्या हो जाएगा, इट इज़ यही फंक्शन सारे एफ एफ डैश एफ डबल डैश एक्स सारे, तो फाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फाई एक्स इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी।
और हमें कंडीशन हमने फाई की क्या ली थी कि वो ए कांस्टेंट है सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी। तो अब देखो ये क्या है, ये जो फंक्शन फाई है ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑफ रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो बाय रोल्स थ्योरम क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट फाई डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब दैट मीन्स अब सी हमारे पास आ गया, इट इज़ इन द ओपन इंटरवल ए बी। अब फाई डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फाई डैश एक्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस, तो अब नेक्स्ट देखो क्या आएगा, अब बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो माइनस एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस, फिर से प्रोडक्ट रूल, माइनस बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स। यहाँ पे ट्रिपल आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बी माइनस एक्स जो है यहाँ पे बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश आएगा, प्लीज़ ये इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे एफ ट्रिपल डैश एक्स आएगा प्लस सो ऑन। लास्ट वाले में, सेकेंड लास्ट वाले में माइनस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन एन माइनस टू फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन, एन माइनस वन है डेरिवेटिव ऑफ एफ प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन डेरिवेटिव है प्लस नेक्स्ट का डेरिवेटिव क्या होएगा, माइनस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू कैपिटल ए। तो अब आप ये देखो यहाँ पे ये सब कैंसिल हो रहे हैं, आपके पास फाई डैश एक्स क्या बच गया, बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन एथ डेरिवेटिव माइनस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए। अब यहाँ से फाई डैश एक्स आपके पास आ गया, तो फाई डैश सी जो है हमने उसको इक्वल टू ज़ीरो डालना है, तो सी की वैल्यू डाली और इक्वेशन नंबर थ्री में फाई डैश सी इज इक्वल टू ज़ीरो डालना है, तो फाई डैश सी को ज़ीरो डाला। तो ये अब आपने ये सॉल्व करो और यहाँ से आपके पास ए क्या आ रहा है, एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो अब ये ए की वैल्यू जो है आप सब्स्टिट्यूट करो अपने इक्वेशन नंबर वन में और आपके पास सॉरी इक्वेशन नंबर टू में, इक्वेशन नंबर टू में, तो जब आपने टू में सब्स्टिट्यूट करी तो यू गेट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन, बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एन एथ माइनस वन डेरिवेटिव एट ए प्लस बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का नेट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी, इट इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ पी के इक्वल है। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो अब वो कह रहे हैं नोट, ये इसका प्रूफ है, नोट क्या कह रहा है, बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन एथ डेरिवेटिव एट पॉइंट सी इज कॉल्ड लेग्रांज रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स एंड इज जनरली डिनोटेड बाय आर एन। तो अब देखो ये एन टर्म्स है ना, फर्स्ट एफ ऑफ ए टर्म है, सेकंड टर्म क्या है, बी माइनस ए की पावर बी माइनस ए इंटू एफ डैश ए, थर्ड टर्म क्या है, बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ऐसे ही लास्ट में एनथ टर्म कौन सी है, बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एनथ डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो ये जो है इसको बोलते हैं लेग्रांज रिमाइंडर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर एन। ठीक है, इसको यही बोला जाता है। तो लेग्रांज रिमाइंडर क्या हुआ, बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन डेरिवेटिव एट पॉइंट सी वेयर सी इज अ पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी। फिर इफ एन इज वन दिस थ्योरम बिकम्स लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, आप पुट कर लो एन को वन पुट करो तो अब ये क्या बन गई, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बन गई, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए। तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी आ जाएगा ना।
एन को वन डालो। फिर दिस थ्योरम इज़ ऑल्सो कॉल्ड हायर मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये नोट्स हैं, आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट नोट इम्पॉर्टेंट है, अनदर फॉर्म ऑफ द अबव थ्योरम। अनदर फॉर्म ऑफ द अबव थ्योरम क्या है? इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच सच दैट एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन एट डेरीवेटिव दे आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच। कौन सी इंटरवल ले ली हमने? ए बी की जगह ए कॉमा ए प्लस एच ले ली। एंड सेकेंड स्टेटमेंट वही सेम है जो पीछे हमने करी है, nth डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच देयर एग्जिस्ट। अब आप देखो, क्योंकि आपने एक सी एग्जिस्ट कराने इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, अब आपने एक सी एग्जिस्ट कराने यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस एच में, तो वो किस टाइप का होगा? ए प्लस थीटा एच का टाइप का होगा। तो वही उसने किया है देयर, और थीटा किस रेंज में होगा? जीरो से वन तक। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा इन द इंटरवल 0 टू 1 ओपन सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस ऑन एच एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ का एन माइनस 1 है डेरिवेटिव एट पॉइंट ए प्लस लास्ट टर्म क्या होती है? बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन एट डेरिवेटिव एट पॉइंट सी। तो इसको कैसे लिखोगे? b की जगह a प्लस एच लिखना है, तो a h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट c, कौन सा पॉइंट है? a प्लस थीटा h। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वही लिखा है कि जो पिछली थ्योरम है उसमें आप पुट a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a प्लस एच एंड c इज इक्वल टू a प्लस थीटा h। और जो रिमाइंडर है, लेग्रांज रिमाइंडर, वो क्या होगा? आर एन, इट इज़ एच की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का एन एथ डेरीवेटिव एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट नोट है, मैकलॉरिन्स थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, मैकलॉरिन्स थ्योरम क्या हुई? मैकलॉरिन्स थ्योरम क्या हुई? उसमें आप क्या करते हो? आप ए को 0 डालते हो और h को x डालोगे इन द सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो अब ये जो अभी ऊपर ये नोट फोर में, अब आप क्या करो नोट फोर में? a को 0 डालो और h को क्या डालो? x डालो। तो क्या बनेगा? देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर से देखो, f ऑफ 0 प्लस एच प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल एफ का एन माइनस 1 है डेरिवेटिव एट पॉइंट 0 प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट थीटा एक्स, वेयर थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। इसको बोलते हैं, तो ये अब आप याद रखोगे, मैकलॉरिन्स थ्योरम मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 प्लस सो ऑन x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल f का n माइनस 1 एथ डेरिवेटिव एट 0 प्लस x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल f का nth डेरिवेटिव एट थीटा x। तो ये होती है मैकलॉरिन थ्योरम विद लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। और इसमें लेग्रांज रिमाइंडर क्या है? एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ की पावर एफ का एन एथ डेरिवेटिव एट पॉइंट थीटा एक्स, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट प्रूव बहुत आसान है, ये सब आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट है थ्योरम, टेलर्स थ्योरम विद कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ये भी करते हैं, टेलर्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब स्टेटमेंट क्या है? इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी एंड एफ एन एग्जिस्ट मतलब एन एथ डेरीवेटिव ऑफ एफ एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, ये सारा वही है जो पिछली स्टेटमेंट ही है, देन देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रियल नंबर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 सच दैट। अब थोड़ी सी यहाँ से स्टेटमेंट चेंज हो रही है, ये कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आ रहा है, पिछला लेग्रांज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर था। सच दैट स्टार्टिंग का सेम है, आप देखो एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए
प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस बी माइनस ए होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बी एफ ट्रिपल डैश ए प्लस सो ऑन ऐसे ही बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव एट पॉइंट ए प्लस यहाँ तक तो सेम आ रहा है, ये लास्ट रिमाइंडर चेंज हो रहा है। प्लस अभी ये देखो बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एथ डेरीवेटिव एट ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला रिमाइंडर बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एथ डेरीवेटिव किस पॉइंट पे ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी बिल्कुल सेम है जैसे हमने पिछला किया है। क्या करोगे आप, कंसिडर द फंक्शन फाई डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे आप फिर से ऊपर से देखो ए को आप बेसिकली एक्स डाल दो तो यहाँ से क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स फंक्शन लिया तो एफ ऑफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस बी माइनस ए की एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वन डेरिवेटिव प्लस अब यहाँ पे क्या करोगे बी माइनस एक्स इंटू ए लिख दो। ठीक है, बी माइनस एक्स इंटू ए क्योंकि जो ये ए है ना आप देखोगे अपने आप ये पावर्स में कुछ आ जाएगा जो आपका रिजल्ट चाहिए आपको, तो हम बी माइनस एक्स इंटू ए लिखेंगे, ये इक्वेशन नंबर वन है, इसमें यही ट्रिक है। अब फिर से ए कांस्टेंट है टू बी डिटरमिंड सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी जैसे पीछे की है, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर टू में फाई ऑफ ए डाला तो फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी, फाई ऑफ बी क्या है एफ ऑफ बी बना। अब वही वो कह रहा है कि क्योंकि एफ एफ डबल डैश एफ एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एफ एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव एंड बी माइनस एक्स की पावर एन दे आर ऑल कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी, तो क्या होगा फाई जो है सम ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस सम ऑफ डेरीवेबल फंक्शन इज डेरीवेबल, तो फाई एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए बी फाई एक्स इज डेरीवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी और फाई ऑफ ए इज इक्वल टू फाई ऑफ बी भी है, तो फाई सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थियोरम इन ए बी एंड देयर फोर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल नंबर थीटा बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए इज 0। क्यों ये है, क्योंकि अब आप देखो ए और बी के बीच में ऐसे ऐसी टर्म ही आती है, कौन सी ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि ये कौन से ये इंटरवल ए और ओपन इंटरवल ए और बी में एलिमेंट लाए करता है क्योंकि थीटा की रेंज क्या है 0 1। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब आप फाई डैश निकालना चाहते हो फाई डैश एक्स, तो ये कॉम्पिटिशन अब आप खुद करोगे इसको, तो फाई डैश एक्स हमने निकाला, जब फाई डैश एक्स हमने निकाला तो ए हमारे पास क्या आया, ए हमारे पास आया बी माइनस ए की पावर एन माइनस वन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन एथ डेरिवेटिव एट ए प्लस थी प्लस बी माइनस ए थीटा, तो ये हमारे पास ए आया। दैट मीन्स अब यहाँ से तो अब ये कहाँ से आया, आपने इक्वेशन नंबर 3 में फाई डैश की वैल्यू पुट करी फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, तो पहले आपने फाई डैश एक्स निकाला प्रोडक्ट रूल जैसे पीछे किए वैसे लगा के इसमें क्या पुट किया एक्स को ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, वहाँ से ए की वैल्यू आई। अब ये ए की वैल्यू आपने कहाँ सब्सटीट्यूट कर दी, फिर से इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दी और वहाँ से आपका ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर से वही बात, अभी कॉशी रिमाइंडर है, अब कौन सा होगा कॉशी रिमाइंडर, वो कह रहे हैं नोट में जो ये बी माइनस ए की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एथ डेरिवेटिव एट पॉइंट ए प्लस थीटा इंटू बी माइनस ए, ये है कॉशी रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर एन, कैपिटल आर एन से डिनोट करते हैं। अब फिर से अनदर फॉर्म ऑफ अबव थ्योरम, अनदर फॉर्म ऑफ अबव थ्योरम क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच
सच दैट एफ एफ डैश एफ डबल डैश एफ एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव दे आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, एफ का एन एथ डेरीवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए कॉमा ए प्लस एच, देन देर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा इन द रेंज 0 से 1 तक ओपन इंटरवल सच दैट, क्या होगा बेसिकली, क्या करना है आपने, अब ऊपर वाली स्टेटमेंट में बी को ए प्लस एच से रिप्लेस करना है और सी को ए प्लस थीटा एच से, एक तरह से वही बात होगी ना। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन एच की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वन एट डेरीवेटिव एट पॉइंट ए प्लस एच की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एथ डेरीवेटिव एट पॉइंट, अब किस पॉइंट पे आएगा, अब आप देखो ये, अब आपने बी को ए प्लस एच डाला तो ए क्या बच जाएगा, ए प्लस थीटा एच, यहाँ पे सी की ज़रूरत ही नहीं है, सी है ही नहीं, सिर्फ बी को ए प्लस एच से डालो। तो यहाँ पे कॉशी रिमाइंडर क्या हुआ, आर एन इट इज़ इक्वल टू एच की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एट डेरीवेटिव एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच। अब नेक्स्ट है नोट थ्री, वो है मैकलॉरिन्स थ्योरम विद कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब मैकलॉरिन्स थ्योरम में क्या करते हो, अभी जैसे पीछे किया है आपने, ए को ज़ीरो लिया ऊपर वाली स्टेटमेंट में और एच को एक्स लिया, तो ऊपर से देखो क्या बना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ज़ीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ज़ीरो प्लस सो ऑन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ का एन माइनस वन एथ डेरीवेटिव एट पॉइंट ज़ीरो प्लस एक्स की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन एथ डेरीवेटिव एट पॉइंट थीटा एक्स, और थीटा की रेंज क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो लेस देन वन। तो ये है मैकलॉरिन्स थ्योरम विद कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स, ठीक है। तो ये बेसिकली आप डिड्यूस, ये याद आराम से हो जाएंगी और डिड्यूस भी कर सकते हो। और इसमें कॉशी फॉर्म ऑफ रिमाइंडर क्या हुआ, इसमें मैकलॉरिन्स एक्सपेंशन में एक्स की पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन एफ का एन डेरिवेटिव एट पॉइंट थीटा एक्स, और थीटा की रेंज क्या है, ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन। ये है कॉशीज रिमाइंडर, राइट। तो ये थ्योरम्स इम्पॉर्टेंट है, तो आज ये आप थ्योरम्स करो कंप्लीट और फिर नेक्स्ट लेक्चर